Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 15th of September 2019. और 15 September को हम सभी लोग जानते हैं कि इंजीनियर्स डे होता है, ठीक है? तो आप सभी को हैप्पी इंजीनियर्स डे. एंड आप लोगों में से जो इंजीनियर्स हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि उन्होंने किस कॉलेज से इंजीनियरिंग की हुई है. सो 15 September को ही इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इट इज़ द बर्थडे ऑफ एम विश्वेश्वरैया, ठीक है? तो जो एक बहुत फेमस इंजीनियर थे, ठीक है, तो इन्होंने इनके बर्थडे के ऊपर जो है ये मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग. अब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं आज के लिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक. फर्स्ट स्टेटमेंट इज मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज 200 करोड़. सेकेंड स्टेटमेंट है स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव टू लेंड 75% ऑफ देयर टोटल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर. विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज अब्लिक आर करेक्ट? ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ, या फिर डी नन. सेकेंड क्वेश्चन इज निक्षय ऐप इज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ विच डिसीज? ए हेपेटाइटिस, बी टीबी, सी एड्स, या फिर डी डेंगू. थर्ड क्वेश्चन इज एस्टिमेट्स कमिटी हैव मेंबर्स फ्रॉम? ए लोकसभा ओनली, बी राज्यसभा ओनली, सी बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, या फिर डी नन. तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में. एंड हम लोग अपना न्यूज डिस्कशन शुरू करते हैं. तो जो आज की सबसे पहली न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी. एंड इकोनॉमी में क्योंकि अभी देखा गया कि एक्सपोर्ट में भी डिक्लाइन हुआ है एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया हैज डिक्लाइन टू 6.06%. तो जो 6.06% पे डिक्लाइन होकर के एक्सपोर्ट हमारा आ गया है, उसी से रिलेटेड अब गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं जिसके जरिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके एंड इकोनॉमी में और बूस्ट देने के लिए हाउसिंग सेक्टर को भी अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज देने की बात हुई है, ठीक है? तो यहां पर इकोनॉमी के ऊपर पिछले अगर आप 20-25 दिनों में देखें तो हर पिछले अगर 3-4 हफ्तों की बात की जाए तो हर हफ्ते लगभग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एंड उसमें बहुत सारे मेजर्स जो है वे अनाउंस किए गए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे. इसके अलावा जो लोग अभी मेंस देने वाले हैं वो इंडिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन क्यों आ रहा है, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हैं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है, इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर जरूर ध्यान देकर के जाएं. दिस कुड बी आस्क्ड इन मेंस, ठीक है? तो अब यहां पर एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपीज का अनाउंसमेंट किया है एंड हाउसिंग सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपीज का स्पेशल फंड बनाने की बात कही है. एंड इतना ही पैसा गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि जो LIC है या फिर अदर एजेंसीज हैं वो भी देंगी, ठीक है? सो एंड इट विल बी यूज फॉर अनफिनिश्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स. इसके पहले गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट का तीसरा अनाउंसमेंट है इकोनॉमी से रिलेटेड. इसके पहले गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करने के लिए अनाउंसमेंट्स किए थे. दूसरे हफ्ते में जो है बैंकिंग सेक्टर्स में, जिसमें से कि 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके नए 4 पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स बनाए जाएंगे, ये सारे अनाउंसमेंट्स किए गए थे, ठीक है? ये तो ये ध्यान रखिएगा. अब यहाँ पर हाउसिंग सेक्टर्स में मैंने जैसा कि आपको बताया कि 10,000 करोड़ का स्पेशल फंड बनाया जाएगा एंड ये उन कंपनीज को दिया जाएगा जिनके खिलाफ या कि कोई NPA वाला मामला नहीं चल रहा है या फिर NCLT के सामने उसकी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है. अब एक नई स्कीम लेकर के आई है गवर्नमेंट फॉर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, डेट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स. रेमिशन ऑफ ड्यूटीज RODTEP on taxes on export products and this would replace the merchandise exports from India scheme, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किसको replace करेगी, merchandise exports from India scheme को. and जो भी textiles या दूसरे sectors है जिनको 2% तक का incentive दिया जाता था MEIS scheme में, इससे पहले वाली scheme में, they will transit to remission of duties or taxes on export product scheme from January 1, 2020. एंड इकोनॉमी में लिक्विडिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया है कि फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल विल बी क्रिएटेड एंड इसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स हैं वो जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश की जाएगी. जो रिफंड होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट्स का वो दिया जाएगा एंड दिस विल बिकम ऑपरेशनल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं कि जैसे जब आप GST में पे करते हैं तो आपको पहले टैक्स देना होता है एंड बाद में अगर गवर्नमेंट को लगता है अगर आपकी कंपनी को आपको टैक्स नहीं देना चाहिए था या फिर आप उस लिमिट से बाहर आते हैं देन दैट विल बी रिफंडेड बाय द गवर्नमेंट. अब ये एक जो ट्रेडर्स है उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी क्योंकि होता क्या था कि उनका वो टैक्स पे कर दिया तो उतना पैसा फंस जाता था. अब जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो इन्वेस्ट नया सामान कैसे खरीदेंगे, नया इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे. सो दैट वन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय हैविंग फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल. इसके अलावा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की गाइडलाइंस में भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन किया है
and this would facilitate financing for home buyers who are eligible under the Pradhan Mantri Awas Yojana. ठीक है, तो externally भी loan लेने में मदद मिलेगी after easing of the relaxation of external commercial borrowings. इसके अलावा जो interest rate है on house building that will be lowered and linked with the 10-year government security yields. तो ये भी एक initiative है housing sector को improve करने के लिए. अब यहाँ पर एक बात हुई थी external commercial borrowings. ये क्या होते हैं? It refers to commercial loans in the form of bank loans, securitized instrument, buyer's credit, supplier's credit availed of from a non-resident lenders with a minimum average maturity of 3 years. ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे loans जो आप बाहर non-resident से लेते हैं for a minimum maturity period of 3 years. That is referred to as external commercial borrowings. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर एक जो नया package announce किया गया है, ठीक है, उससे related. तो ये ध्यान रखिएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ हिंदी. एंड कल क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस था, तो वहां पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है उन्होंने कहा है कि सिर्फ हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ सकती है, एंड उसके प्रमोशन के लिए हम सभी को काम करना चाहिए. ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है. ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ऑफिशियल मतलब राजभाषा एक तरह से. अब हिंदी जो है वो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, अराउंड 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्पीक्स हिंदी एंड रेस्ट इज विद द अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो. ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी भाषा है वो कौन सी है हमारी? हिंदी. अब हिंदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो देख लेते हैं. जो हमारा पार्ट 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एंड इसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं? 343 टू 351. एंड हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. ध्यान रखिएगा, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. एंड हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? बिकॉज ऑन दिस डे हिंदी इन रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट वॉज एडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. तो 14 सितंबर 1959 को इसको अडॉप्ट किया गया था, इसलिए हिंदी दिवस जो है वो उस दिन मनाया जाता है. अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, इंग्लिश इज टू बी यूज्ड फॉर पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूनियन एंड अ स्टेट व्हिच हैज नॉट अडॉप्टेड हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस. तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 1963 का, उसमें मेंशनड है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन की भाषा होगी उन यूनियन और स्टेट्स के बीच में जिन्होंने हिंदी को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना है. अब अमित शाह जी ने यहाँ पर हिंदी के इंपॉर्टेंस को बताते हुए एक फैक्ट हाईलाइट किया है कि अगर आप इंग्लिश देखें तो इंग्लिश बहुत रिच लैंग्वेज नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है. ठीक है, तो इंग्लिश में अंकल सिर्फ एक शब्द है किसी एक रिश्ते को डिफाइन करने के लिए, यानी अंकल से रिलेटेड 18 शब्द हैं हिंदी में, जिसके जरिए कि मतलब ये सारे रिलेशंस को डिफाइन किया जाता है. एंड यहाँ पर जो बाकी के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि क्योंकि रिसर्च की बहुत बड़ी भाषा जो है वो इंग्लिश है, तो हमें किसी के ऊपर भी इसको इम्पोज नहीं करना चाहिए. ठीक है, अभी जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर सारी की सारी जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है. इसके अलावा अगर आप फेसबुक गूगल यहाँ पर जाएंगे तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, बिकॉज इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स. वो एक लैंग्वेज है कॉमर्स की, आप उसे चाहें या ना चाहें वो हो रही है. इवन चाइना में अब स्टूडेंट्स को जो है वो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, ताकि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड जा सकें, उनके रिसर्च में कोलाबरेट कर सकें, एंड एट द सेम टाइम चाइना कुड ऑल्सो टेक अ लीड. ठीक है, तो इस एक चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है. एंड यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर भी दिया था कि जो भी उनकी फाइल्स हैं वो सबकी सब हिंदी और इंग्लिश में भी आनी चाहिए. एंड यूनियन होम मिनिस्ट्री में जब से अमित शाह हैं तब से उन्होंने क्लेम किया है कि पहले 10% फाइल्स हिंदी में होती थी, अब 60% जो फाइल्स हैं हमारी वो हिंदी में आ रही हैं. ठीक है, तो ये हिंदी के प्रमोशन के लिए जो है वो सारा काम किया जा रहा है. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए यूपीएससी में पूछ लिया जाए कि वेदर हिंदी शुड बी मेड अ नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सो यू कुड गिव द आर्ग्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन आंसर. ठीक है, जो भी आपको पता है उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहाँ पर जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू यमन रेबल्स जो हाउथीज हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया का जो सबसे बड़ा प्लांट है अरमाको उसके ऊपर हमला किया है. ठीक है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज है. अरमाको के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी. ठीक है, एंड अभी वो रिसेंटली जो है वो शेयर मार्केट के जरिए अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करने वाले थे, एंड उसके पहले ही जो है उस पर हाउथीज ने अटैक कर दिया है. हाउथीज ध्यान रखिएगा ये कहाँ किस कंट्री के रेबल ग्रुप्स हैं, यमन के हैं. ठीक है, एंड दे आर सपोर्टेड बाय ईरान. ठीक है, तो इनको ईरान सपोर्ट करता है, यमन के में इनका जो है वो कंट्रोल है. अब हम यमन के बारे में देख लेते हैं
कैपिटल क्या है, इट कैपिटल जो है वो सना है एंड इट इज अंडर हाउथीज कंट्रोल। प्रेसिडेंट कौन है इसके, अबेद मंसूर हैदी। एंड हाउथी मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इट इज एन इस्लामिक रिलीजियस पॉलिटिकल आर्म्ड मूवमेंट दैट इमर्ज फ्रॉम द सदा इन नॉर्दर्न यमन इन द 1990s। एंड जो हाउथीज ने टेक ओवर किया था यमन का ऑन इट इज नोन एज सेप्टेंबर 21 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सेप्टेंबर 21 रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका आंसर क्या होगा, यमन। सेप्टेंबर 21 रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ यमन। एंड गल्फ में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही है तो इंडिया के लिए वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा जो एनर्जी डिपेंडेंसी है या ऑयल डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब अगर हो सकता है सऊदी अरेबिया रिटेलिएट करे या फिर ईरान के ऊपर अटैक कर दे तो डैट इनस्टेबिलिटी कुड अफेक्ट अस ऑल्सो, तो इस न्यूज के ऊपर हमको नजर बना के रखनी है। नाउ कम टू द पेज नंबर 2 एंड यहां पर संडे के लिए जो कैंपेन लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, तो आप लोग भी अपने घर के आसपास जो है वो अगर डेंगू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई कि जैसे साफ पानी ना इकट्ठा होने दें, एक बार देख लें कि कहीं पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है, तो इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। इस एक कैंपेन को बेसिकली आप बिहेवियरल चेंज के तौर पर या पीपल्स पार्टिसिपेशन के तौर पर भी हाईलाइट कर सकते हैं कि जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि लोग स्वस्थ रहे, ये लोगों के साथ भी पार्टिसिपेट किया जाए, इसको मास मूवमेंट बना जाए, तभी जो है कोई भी जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो सकता है। नाउ कम टू पेज नंबर 6। यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू लोक अदालत। एंड अभी जो रिसेंटली लोक अदालत गुरु पटियाला हाई कोर्ट पटियाला कोर्ट में हुई थी, वहां पर देखा गया कि बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस आ गए और बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, उसी न्यूज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। अब ये हम लोगों से नहीं पूछा जाएगा, हम लोक अदालत के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। इट इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो एक तरह का ADR है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, जिसमें कोशिश की जाती है कि कोर्ट के बाहर ही जो है मतलब इस सारे केसेस को खत्म कर लिया जाए एंड जिन केसेस को एमिकेबली सॉल्व किया जा सकता है, मिलजुल करके सॉल्व किया जा सकता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब ये किसके किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधी हमेशा बोलते थे कि अगर कोर्ट से आप कोई भी फैसला लाएंगे तो उसमें एक पार्टी की हार होगी और दूसरे पार्टी की जीत होगी। ठीक है, अब ये हार जीत में क्या होता है कि एक बिटरनेस आ जाती है, तो आप अपने पड़ोसी से ही मान लीजिए उसको कोर्ट ले गए थे और जीत भी गए तो भी एक पार्टी हमेशा जो है वो वो संतुष्ट नहीं रहेगी एंड उससे क्या होगा कि हमेशा ही लड़ाई का कारण कुछ ना कुछ बना रहेगा एंड समाज में जो है वो हार्मनी नहीं आ पाएगी। इसलिए जो लोक अदालत में कोशिश की जाती है कि सारे के सारे केसेस को एमिकेबली सॉल्व किया जाए, यानी दोनों पार्टी का कुछ कुछ मान के उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इन द सेंस कि विनर विन विन सिचुएशन हो, दोनों पार्टीज को लगे कि उन्होंने कुछ जीता है। एंड लोक अदालत के बारे में ध्यान रखिएगा कि दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। एंड किस तरह के केसेस के साथ डील कर सकते हैं, दे कैन डील विथ ऑल सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स, पार्टीशन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स एटसेट्रा एंड कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस। ठीक है, तो कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं, ऐसे क्रिमिनल केसेस जिनमें दोनों पार्टीज जो है उन केस को सेटल कर सकती हैं, जैसे ट्रिपल तलाक, वो कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल केसेस कौन से होते हैं, जिनको दोनों पार्टीज कोर्ट के बाहर सेटल नहीं कर सकते, जैसे कि रेप, डकैती, मर्डर, ये सारे केसेस जो है आप कोर्ट के बाहर नहीं सेटल कर सकते हैं। तो लोक अदालत किन केसेस के साथ डील कर सकता है ये ध्यान रखिएगा, सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स, पार्टीशन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स एंड कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस। अब लोक अदालत जो है वो कैसी बॉडीज है, स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडीज मतलब वो बॉडीज जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के कारण बनाई जाती हैं। एंड इसके रिलेटेड एक्ट कौन सा है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। एंड इन दिस एक्ट इट इज मेंशनड कि लोक अदालत का जो फैसला होता है, इट इज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड इज फाइनल एंड इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज एंड नो अपील अगेंस्ट सच एन अवार्ड लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो आपको लोक अदालत के जरिए जो फैसला मिलता है उस फैसले को आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते या वो और किसी कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप अपना केस कंटिन्यू कर सकते हैं बट फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एंड अगर पार्टीज जो हैं वो लोक अदालत के जरिए अपना केस सेटल करती हैं और उन्होंने पहले से कोर्ट में अपना केस फाइल कर रखा है तो वो कोर्ट फीस भी जो है उनको लौटा दी जाती है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा लोक अदालत में जो है वो किसी भी वकील की जरूरत नहीं पड़ती है, दोनों पार्टीज आपस में बैठ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर लोक अदालत के बारे में, नो एडवोकेट और प्लीडर इज अलाउड, इवन विटनेसेस आर नॉट
एग्जामिन्ड। ये सारे फैक्ट्स जो हैं अगर वन पॉइंटर में आपसे पूछ लिए जाएंगे तो ध्यान रखेंगे लोक अदालत के बारे में कोई भी गलती नहीं करनी है। एंड जब भी GS2 में अगर इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेस के बारे में लिखें या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स के बारे में पूछा जाता है तो आप लोक अदालत को भी वहां पर हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 7। यहां पर एक जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। एंड पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को अर्ज किया है कि वो जो मंगू मठ है पुरी में उसको ना गिराएं। ठीक है, अब ये मठ के लिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दिस मठ इज एसोसिएटेड विद सिखिज्म फाउंडर गुरु नानक। एंड गुरु नानक देव जी का इस बार 550th बर्थ एनिवर्सरी है 2019 में। एंड क्योंकि वहां पर वो गए थे एंड उन्होंने प्रीच किया था सो दैट मठ बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड हेंस उन्होंने इसलिए बोला है कि इस मठ को ना गिराया जाए। अब जगन्नाथ पुरी के स्ट्रक्चर है जो जगन्नाथ टेम्पल का उसके 75 मीटर के रेडियस में 75 मीटर के रेडियस में जो भी मठ आ रहे हैं उन सभी को उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो गिरा रही है ताकि उसको उसे जो टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है उसको जो है वो डेवलप किया जा सके एंड ज्यादा यूज किया जा सके। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में देख लेते हैं कहाँ लोकेटेड है। पुरी में लोकेटेड है। इसका कंस्ट्रक्शन किसने शुरू करवाया था? किंग अनंत वर्मन ऑफ गंगा डायनेस्टी इन द 10th सेंचुरी है। जो फेमस रथ यात्रा है हमारी वो भी जगन्नाथ पुरी से रिलेटेड है। एंड यहाँ पर एक खास बात है कि जो इमेज है भगवान की या मूर्ति है वो लकड़ी की बनी हुई है। ज़्यादातर हमारे जो मंदिर हैं वो उनके वहाँ पर मूर्तियाँ जो है वो पत्थर की बनी होती हैं या ब्रॉन्ज की होती हैं बट हियर इमेज इज मेड ऑफ वुड एंड इस वुड को हर इस मूर्ति को जो है वो हर 12 या 19 साल में रिप्लेस किया जाता है। एंड पुरी का एक और इम्पॉर्टेंस है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 4 चार धाम। तो 4 धामों में से एक जो है वो पुरी है। बाकी के 3 धाम कौन से हैं? रामेश्वरम, बद्रीनाथ एंड द्वारका। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे हम लोग जगन्नाथ टेम्पल एंड पुरी के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। एंड ये जो न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन को क्या नहीं करना चाहिए वो इस न्यूज के जरिए हाईलाइट होता है। अब हरियाणा के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये दिखाया कि अनाज जो है वो गोडाउन में सड़ रहा है। ठीक है, अब होना ये चाहिए था कि क्यों सड़ रहा है इसके ऊपर जांच होनी चाहिए थी। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने क्या किया, जिस जर्नलिस्ट ने जिस पत्रकार ने खबर दिखाई थी उसके खिलाफ ही FIR करवा दी एंड उसको बोला कि आपने हमारी प्रॉपर्टी के अंदर ट्रेसपास किया है एंड एट द सेम टाइम आपको डिफेम किया है, मतलब ठीक है हमारी बेइज्जती की है। अब पता नहीं सच दिखाने से लोगों की कैसे बेइज्जती होने लगती है, ये अब कौन समझाए हमारे ऑफिसर्स को। सो दिस कुड बी हाईलाइटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज है डेट इज रिलेटेड टू मणिपुर। एंड मणिपुर के जो मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि अकाल जैसे हालात जो है, फेमाइन लाइक सिचुएशन इज देयर इन मणिपुर। इस साल जो है वो बारिश जो है वो नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके कारण जो है इस न्यूज को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर एक राइस मेंशनड है, ब्लैक राइस, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ब्लैक राइस इज नोन एज छखाओ इन मणिपुर। ठीक है, तो इसको लोकली जो है वो छखाओ के नाम से जाना जाता है एंड इट इज रिच सोर्स ऑफ आयरन, विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो ब्रांड हलो, इसके आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लैक राइस कंटेन्स वन ऑफ द हाइएस्ट लेवल ऑफ एंथोसाइनिन्स फाउंड इन फूड। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ब्लैक राइस जो है वो इंडिया में किस स्टेट में होता है? मणिपुर में होता है। लोकली इसको छखाओ बोला जाता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंथोसाइनिन्स। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर ब्लैक राइस के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू पुल्लिकली। तो अब ये पुल्लिकली क्या है? इट इज रिक्रिएशनल फोक आर्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। ये फोक आर्ट है किस स्टेट की? केरला स्टेट की। कब परफॉर्म किया जाता है? इट इज परफॉर्म्ड ऑन द 4th डे ऑफ ओनम। ठीक है, तो चौथा दिन जो होता है ओनम सेलिब्रेशंस का, उसके चौथे दिन पुल्लिकली परफॉर्म किया जाता है केरला में। एंड ओनम जो है वो एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का। तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोग इस न्यूज से। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू सरदार सरोवर डैम। एंड ये जो डैम है दैट हैज फिल टू इट्स हाईएस्ट लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी इसका जो लेवल है वो 138 मीटर्स बढ़ाया गया था 2-3 साल पहले एंड नाउ इट हैज रीच्ड इट्स हाईएस्ट लेवल। ठीक है, तो 138.6 मीटर तक वो पहुंच गया है। तो सरदार सरोवर डैम के बारे में सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक, एंड क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नर्मदा रिवर के बारे में देख लेते हैं। नर्मदा जो है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है एंड इट मेक्स एस्चुरी। ज्यादातर जो इंडिया की रिवर्स हैं दे आर ईस्ट फ्लोइंग एंड दे मेक डेल्टास,
But Narmada along with Tapi is the one exception which flows west and make Ashuri. अब नर्मदा का origin कहाँ है? It is in the Amarkantak hills in Madhya Pradesh. तो जो Amarkantak कुंड है अनूपपुर district of Madhya Pradesh, वहाँ से नर्मदा की शुरुआत होती है. नर्मदा के एक characteristic ध्यान रखिएगा. It flows in the Rift Valley between Satpura in the south and Vindhyan Range in the north, formed due to faulting. तो ये Rift Valley के बीच से बहती है ये नदी. And जो सबसे famous waterfall है इस river का कौन सा है? धुआंधार waterfall. Important projects कौन-कौन से हैं नर्मदा के ऊपर? सरदार सरोवर, जिसका हमने अभी जिसके बारे में ये न्यूज़ आई है. और बाकी कौन से इंपॉर्टेंट हैं? इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बर्गी एंड तवा प्रोजेक्ट आर ऑन दिस रिवर. इसकी जो इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो है शेर, शक्कर, दूधी, तवा एंड गंजल. जो इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो है टेंडोनी, बारना एंड कोलार. किन किन स्टेट से फ्लो होती है नर्मदा? मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. एंड इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1312 किलोमीटर. तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोग नर्मदा रिवर के बारे में. Now come to the next news and यहाँ पर जो हमारी news है that is related to Babar. And Babar के नाम पे एक road है दिल्ली में, उसको कुछ हिंदू fringe जो groups हैं उन्होंने उसको उसके ऊपर कालिख पोत दी है. And ये बोला है कि Babar जो है वो बाहर से आया था and आक्रांता था, invader था, तो हमें उसके नाम के road बदल करके और किसी के नाम पे रख देना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया. अब अभी तक किसी ने भी कभी हिंदू एलिमेंट्स ने किसी ने भी कभी डिमांड नहीं की कि डलहौजी रोड का नाम बदल दिया जाए. मतलब अंग्रेज जिन्होंने हमको मारा पीटा, 150 सालों तक गुलाम रखा, उनके बारे में कोई नहीं बोलता है. सो दैट शोज आर कम्युनलिज्म. ठीक है, तो एक तरह के जो सांप्रदायिकता है ना, इसको ये हाईलाइट करता है. तो बाबर के बारे में हम लोग देख लेते हैं. ही इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. इनको मतलब एस्टेब्लिशर माना जाता है मुगल एम्पायर का. एंड ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम द साइड ऑफ हिज फादर एंड चंगेज खान फ्रॉम द साइड ऑफ हिज मदर. ठीक है, तो ये तैमूर और चंगेज खान दोनों का वंशज थे. एंड पहला जो बैटल है पानीपत का, इट वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी ऑन 21 अप्रैल 1526. जो लोग एमपीपीएससी या वनडे टाइप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर ध्यान रखें. एमपीपीएससी ने एक साल जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की एग्जैक्ट डेट पूछी थी. सो रिमेंबर कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था. कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को. आप लोग कमेंट करके बताएगा कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुए थे. इसके अलावा बाबर ने और जो इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़े वो थे बैटल ऑफ खनवा 1527 बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा वेयर ही डिफीटेड राणा सांगा, एंड 1528 फेमस बैटल ऑफ चंदेरी वेयर बाबर डिफीटेड मेदिनी राय, एंड बाबर डाइड इन 1513 आगरा. बाबर का जो टूम्ब है वो कहां बना हुआ है? काबुल में. ठीक है, तो बाबर मरा आगरा में एंड उसका जो टूम्ब है वो है काबुल में. एंड इसके अलावा इन्होंने तुगलमा एंड फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया. एंड ही वाज़ द फर्स्ट टू यूज गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया. रिमेंबर वन थिंग, बाबर वाज़ द फर्स्ट टू यूज गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया. गन पाउडर इंडिया में पहले से पता था, इट वॉज नोन इन इंडिया. ऐसा नहीं पता नहीं था, लेकिन पहली बार जिसने यूज किया वो था बाबर. अभी बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है तुजुके बाबरी इन तुर्की. उन्होंने तुर्की में तुर्की लैंग्वेज में लिखा तुजुके बाबरी. इसका जो है बाबर नामा के रूप में ट्रांसलेशन किया अब्दुल रहीम खाने खाना ने. अब्दुल रहीम खाने खाना जो हिंदी के दोहे होते हैं रहीम दास, वो जो अब्दुल रहीम खाने खाना ही थे. एंड ही वॉज द सन ऑफ बैरम खान. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर बाबर एंड उनके छोटे से हिस्ट्री के बारे में. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज. एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू यूनेस्कोज इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. तो अब बीजेपी के एक एमपी हैं राकेश सिन्हा जी, उन्होंने बोला कि जो मेघालय में एक ऐसा गांव है जहाँ पर कि माँ जो है अपने बच्चे को विसिल करके बुलाती है. नाम देने से पहले जो है वो विसलिंग के जरिए उसको बुलाया जाता है. जब तक वो फॉर्मली समझने नहीं लगता है नाम को तब तक उसका नाम नहीं दिया जाता है. हर एक पर्सन के लिए जो है वो एक यूनिक विसिल होती है. तो इसको उन्होंने बोला कि ये विसलिंग जो लैंग्वेज है दैट शुड बी गिवन अ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. तो बाकी के जो 22 गांव हैं अगल बगल के, जिस गांव को राकेश सिन्हा जी ने हाईलाइट किया था वो था खांगटोंग. उसके जो आसपास के गांव हैं उन्होंने भी बोला कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, तो हमको भी रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए. तो वी शुड ऑल्सो भी रिकॉग्नाइज. तो ये तो हो गई न्यूज. अभी इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है. एमपी ने ये रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि इसको रिकॉग्नाइज करवाने के लिए हमको जो है वो प्रयास करना चाहिए. अब इंडिया की तरफ से कौन कौन से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं यूनेस्को लिस्ट में वो हम लोग देख लेते हैं. तो सबसे पहला है 13 हैं, एक्चुअली 13 आर देयर. सबसे पहला है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, दूसरा रामलीला, तीसरा है कुटियट्टम संस्कृत थिएटर, फोर्थ वन इज रम्मन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयाज, पांचवा है मुडियट्टू रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला, देन कलवेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान, छाहू डांस, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख,
संकीर्तन रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर संकीर्तन, ध्यान रखिएगा मणिपुर का है। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग एमंग द ठठेराज ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब, योगा, नवरोज एंड कुंभ मेला, ऑल दीज आर इन द लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर इसके बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। एंड यहां पर जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने जो लास्ट मोमेंट में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में चेंज किया है फाइनेंस कमीशन के, दैट इज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो है वो एक तरह के फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बॉडी है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली जो है वो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में चेंज किया है। एंड दे हैव क्रिएटेड अ सेपरेट फंड्स फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ऐसा करने से पहले जो है एक बार राज्यों से पूछ लेना चाहिए था। तो ये तो हो गई न्यूज, अब हम लोग देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन जो है वो कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हमारा, जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, ये सारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, दे आर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह से फाइनेंस कमीशन जो है हमारे आर्टिकल 280 में मेंशनड है। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंस कमीशन एज अ क्वेसी जुडिशियल बॉडी। अब ये जो है वो हर 5 साल में बनाया जाता है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर। तो प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है, प्रेसिडेंट। एंड अंडर आर्टिकल 281 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके बाद 1952 में हमारा जो है वो पहला फाइनेंस कमीशन बनाया गया। एंड जो 50 अभी हम किस फाइनेंस कमीशन के कार्यकाल में चल रहे हैं, 14th फाइनेंस कमीशन के, फ्रॉम 2015 टू 20 जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो उसका टेन्यूअर टाइम पीरियड क्या होगा, 2020 टू 2025। एंड फाइनेंस कमीशन का अगर कंपोजिशन की बात करें तो उसमें चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स, तो यानी कुल मिलाकर के 5 लोग होते हैं एंड दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं दे आर एडवाइजरी, यानी गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं, गवर्नमेंट उनको मानने के लिए जो है वो बाध्य नहीं है, दे आर जस्ट एडवाइजरी एंड इट मेक्स रिकमेंडेशंस। इसके जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस में बोला गया है कि इसको इन 4 चीजों के बारे में बताना है। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा एंड एट द सेम टाइम विद इन स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में भी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ये फाइनेंस कमीशन बनाता है। इसके अलावा किस बेसिस पे सेंटर स्टेट्स को गारंटी नेट देगा, वो फाइनेंस कमीशन का काम है। इसके अलावा कैसे लोकल गवर्नमेंट्स के फंड्स को मजबूत किया जा सकता है आफ्टर टेकिंग द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, ये काम भी किसको दिया गया है, फाइनेंस कमीशन को। एंड इसके अलावा चौथा पॉइंट है कि अगर और कोई भी काम जो है प्रेसिडेंट इसको सौंपते हैं तो उसके रिलेटेड भी रिकमेंडेशन जो है वो फाइनेंस कमीशन दे सकता है। जैसा कि इस न्यूज में बताया कि डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड फंड के बारे में प्रेसिडेंट ने बोला है उनको कि ये दैट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, तो ये भी एक फैक्टर है जो जिसके बारे में फाइनेंस कमीशन जो है वो अपनी राय दे सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम हांगकांग। एंड हांगकांग में जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं एंड कुछ जो एंटी गवर्नमेंट एंड प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में स्कफल जो है वो हमको दिखाई दे रही है। अब स्कफल नहीं पूछी जाएगी, हांगकांग के बारे में देख लेते हैं जो पूछा जा सकता है। इट इज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ पर्ल रिवर एस्चुरी साउथ चाइना सी। अब हांगकांग के बारे में ध्यान रखिएगा कि अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स इट इज सराउंडेड बाय साउथ चाइना सी। एंड हांगकांग जो है वो टिल 1997 इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, 1997 तक ये ब्रिटिश के कंट्रोल में था एंड इट वाज हैंडेड ओवर टू चाइना इन 1997 अंडर द वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल। वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल में क्या है कि वन कंट्री मतलब ये चाइना का पार्ट है, टू सिस्टम्स मतलब चाइना में क्योंकि कम्युनिस्टिक सिस्टम है बट हांगकांग स्टिल फॉलोज अ सॉर्ट ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम एंड यहां पर लोगों को ज्यादा फ्रीडम्स हैं, इसलिए उसको वन कंट्री टू सिस्टम्स जो है वो बोला जाता है। अब वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल का जो इनिशिएटर थे वो थे डेंग जियोपोंग, ठीक है, एंड इसको उन्होंने लाया था ताइवान के लिए कि ताइवान में आपको जो सिस्टम चलाना है वो चलाइए लेकिन यू शुड एक्सेप्ट द सोवरनिटी ऑफ चाइना। लेकिन इसका जो है उस टाइम तक ताइवान के लिए तो यूज नहीं हुआ बट इन 1997 एंड 1999 इट वाज यूज्ड फॉर हांगकांग एंड मकाऊ, मकाऊ वाज आल्सो अ कॉलोनी, तो उसको भी जब चाइना को हैंडओवर किया गया देन इट वाज आल्सो हैंडेड ओवर अंडर द सेम सिस्टम। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर हांगकांग एंड वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल के बारे में।
नाउ कम टू बिजनेस पेज एंड यहाँ पर जो इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज थी दैट वी हैव ऑलरेडी डेल्ट इन पेज नंबर वन एंड जो एक न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी नेटवर्क गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क एंड जीएसटी काउंसिल. तो ये देख लेते हैं अभी जो चेयरमैन हैं जीएसटी नेटवर्क के उन्होंने ये बोला है कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो जरूरी है फ्रॉम जनवरी 2020. तो जो भी व्यापारी जो है जो भी ट्रेडर्स जीएसटी नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे उनके लिए आधार जो है वो मैंडेटरी होगा फ्रॉम जनवरी 2020. एंड इसके अलावा यहाँ पर एक बॉडी मेंशन है जीएसटी काउंसिल, उसके बारे में देख लेते हैं. जीएसटी काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 280 में हमने देखा फाइनेंस कमीशन, 279A में जो है वो जीएसटी काउंसिल. एंड इसका काम क्या है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को देना. इसको चेयर कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन इन ऑल अदर स्टेट्स. डिसीजन कैसे लिया जाता है जीएसटी काउंसिल में, वहां पर जो 1/3 वोटिंग पावर है वो सेंटर के पास है, 2/3 वोटिंग पावर जो है वो स्टेट्स के पास है. ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा. एंड कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको कितने की मेजोरिटी की जरूरत है, 75% मेजोरिटी की. यानी ना सेंटर इंडिपेंडेंटली फैसला ले सकता है बिना स्टेट से पूछे, ना ही स्टेट्स बिना सेंटर के कंकरेंस के डिसीजन ले सकते हैं. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर जीएसटी काउंसिल एंड उसके डिसीजन मेकिंग बॉडी के बारे में. जीएसटी नेटवर्क में आधार जो है वो जनवरी 2020 से कंपलसरी होगा. नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ संडे. यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का पेज है एंड सबसे पहला जो है वो हाईलाइट किया गया है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में, अनसक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 2. एंड इसमें इन्हीं सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया है कि कैसे हुआ. तो सबसे पहले बताया गया है कि चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च किया गया 22 जुलाई को एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सेप्टेम्बर 7 को वो लैंड कर जाएगा साउथ पोल ऑफ द मून में, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट लैंड. एंड उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं. अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट की गई हैं इसरो का, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से कोई भी बयान नहीं आया है नया, तो स्पेकुलेशन ही चल रहा है कि किस बेसिस से किस वजह से ये फेल हुआ. तो सबसे पहला जो है एक कारण बताया जा रहा है कि डिड द थ्रस्टर्स ओवर परफॉर्म, या फिर डिड विक्रम लूज एल्टीट्यूड एंड नॉट रिकवर लूजिंग द अर्थ लिंक, और वाज इट सम अनदर एनोमली. तो यहां पर इन्हीं सारी चीजों को हाईलाइट किया गया है. तो अपने लिए बहुत ज्यादा इसमें से निकल करके नहीं आता है. चंद्रयान 2 जो है ध्यान रखेंगे इट वाज इंडिया सेकंड लूनर ऑर्बिटर मिशन, इंडिया का दूसरा लूनर ऑर्बिटर मिशन था. एंड अगर सक्सेसफुल होता तो इट वुड हैव मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू रीच लूनर साउथ पोल. तो ये एक चीज थी. एंड यहां पर जो इसका लैंडर था उसका नाम क्या था, विक्रम. एंड विक्रम नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि जो हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ स्पेस माने जाते हैं विक्रम साराभाई, उनके नाम पर इसको दिया गया था. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर चंद्रयान 2 के बारे में. नाउ कम टू द सेकेंड न्यूज. एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज है डेट इज रिलेटेड टू एंशियंट डीएनए. एंड अभी जो एक जर्नल है वहां पर एक पेपर छपा था, एन एंशियंट हरप्पन जीनोम लैक्स एंसेस्ट्री फ्रॉम स्टेपी पेस्टोरलिस्ट एंड ईरानियन फार्मर्स. तो उसी से रिलेटेड पूरी की पूरी न्यूज हाईलाइट की गई है कि एंशियंट डीएनए हमारी हिस्ट्री के बारे में क्या बताते हैं. ठीक है, तो उस पेपर में ये क्लेम किया गया था कि जो माना जाता है जनरली कि हम लोग स्टेपी पेस्टोरलिस्ट या फिर ईरानियन डिसेंडेंट के हैं, उसको जो है इन्होंने चैलेंज किया है. एंड इट शोज कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वो अपना एक सेपरेट जीनोम है. एंड डेट मतलब वो जो अभी तक एक माना जाता था कि जहां भी एग्रीकल्चर फैला है वो स्टेपीज से फैला है, सो डैट थ्योरी हैज बीन चैलेंज्ड. एंड यहां पर इस पूरे के पूरे आर्टिकल में सिर्फ इसी एक चीज को हाईलाइट किया गया है कि जो एंशियंट डीएनए है उससे भी एक चीज पता चलती है कि साउथ एशिया में सिर्फ एक ही तरह के लोग नहीं रहते हैं. ठीक है, वहां पर जो लोग हैं वो अलग अलग वेव्स में आकर के यहां सेटल हुए हैं एंड अलग अलग उन सभी का जीनोम है. तो इन्हीं सारी चीजों को इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है. नाउ कम टू द सेकेंड न्यूज. एंड ये जो न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू कोलोजियम सिस्टम. अब कोलोजियम न्यूज में क्यों है, क्योंकि मेघालय जो मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी विजया ताहिल रमानी, उनका ट्रांसफर जो है वो मेघालय हाई कोर्ट में कर दिया गया था. उसके बाद कॉलेजियम के डिसीजंस को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब डिबेट चल रही है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट है कि ऐसा क्यों किया गया है एंड उसके पीछे का क्या रीज़न है. तो इस एक न्यूज़ में दो चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, सबसे पहले कि कॉलेजियम कब बना, उसकी हिस्ट्री क्या है, एंड दूसरा कॉलेजियम के साथ प्रॉब्लम क्या है. तो हम देख लेते हैं कॉलेजियम कब बना था. ये जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले हैं उसके बाद बना. ठीक है, तो दे आर नोन एज द जजेस केस. तो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस. तो फर्स्ट जजेस केस में ये बेसिकली जो है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये केसेस थे. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था कि जब भी कोई अपॉइंटमेंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का, तो उससे पहले जो है वो जुडिशरी से एक बार पूछा जाएगा. एंड उसमें एक डाउट ये उठा कि ये जो कंसल्टेशन है
क्या उसमें जो एडवाइस दी जाती है जुडिशरी द्वारा वेदर इट इज बाइंडिंग और नॉट, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस देते हैं वेदर इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और नॉट। तो 1981 में जब फर्स्ट जजेस केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स कंकरेंस, कंसल्टेशन करने का यह मतलब नहीं है कि जो हमारी एडवाइस जुडिशरी देगा उसको आपको मानना होगा। लेकिन सेकेंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक जो अपना स्टैंड था उसको बदल दिया एंड दे सेड कि कंसल्टेशन रियली मेंट कंकरेंस। एंड यहां पर सीजीआई का इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं, रेदर सीजीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो दो सीनियर मोस्ट जजेस से पूछ करके ये डिसीजन देंगे। उसके बाद जब फिर से केसेस गए सुप्रीम कोर्ट के पास, थर्ड जजेस केस आया 1998 में, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम को बनाया। तो कोलेजियम जो है हमारा कब बना, इन द थर्ड जजेस केस। अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस फोर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कोलेजियम में अभी क्या है, सीजीआई प्लस फोर सीनियर मोस्ट जजेस। एंड थर्ड जजेस केस में ये बोला गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस देंगे दैट शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कोलेजियम। एंड इस कोलेजियम के अगर दो मेंबर्स भी बोलते हैं कि वो एडवाइस नहीं दी जानी चाहिए देन दैट एडवाइस विल नॉट बी टेंडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहां पर प्रॉब्लम्स क्या हैं कोलेजियम के साथ आपसे पूछा जा सकता है जीएस टू में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है उसकी जो फंक्शनिंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है फंक्शनिंग। दूसरा है नेपोटिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि आप अगर देखें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेल कनेक्टेड लोग हैं, ठीक है। तो अभी अगर पिछले तीन चार मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जाए तो उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो कि पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड थे या फिर बहुत वेल ऑफ फैमिलीज से आते हैं, तो ये एक नेपोटिज्म का है। दूसरा तीसरी प्रॉब्लम ये है स्मॉल बेस फ्रॉम विच द सिलेक्शंस आर मेड। अब क्योंकि कॉलेजियम में आप कॉलेजियम में कोई ओपन कंपटीशन तो है नहीं जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकें, बहुत लॉयर्स पार्टिसिपेट कर सकें, तो जजेस जिन लॉयर्स को जानते हैं उन्हीं लोगों को चुना जाता है। तो इस तरह से बहुत स्मॉल बेस में से लोगों को चुना जा रहा है। इसके अलावा जो कॉलेजियम का रेजोल्यूशन है किस बेसिस पर डिसीजन कॉलेजियम लेता है दे आर नाउ पोस्टेड ऑनलाइन बट रीजंस आर नॉट गिवन, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इन चार प्रॉब्लम्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है, नेपोटिज्म की प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम है स्मॉल बेस फ्रॉम विच द सिलेक्शंस आर मेड एंड ग्राउंड फॉर द ग्राउंड ऑन विच डिसीजन आर मेड बाय द कॉलेजियम इज नॉट गिवन। तो ये सारी प्रॉब्लम है कॉलेजियम की। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज से न्यूज है कि IIT मद्रास ने एक इको फ्रेंडली मेथड डिजाइन किया है टू डिग्रेड प्लास्टिक्स, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज है, यहां पर इस एक चीज को हाईलाइट किया गया है एंड कैसे इको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे से किया जाएगा प्लास्टिक को डिजोल्व। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि दे आर यूजिंग सिल्वर स्लोली डिजॉल्विंग इन अ ग्लूकोज सॉल्यूशन व्हेन हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस, देन जो प्लास्टिक होता है वो डिकम्पोज हो जाता है या डिग्रेड हो जाता है। तो इसी सारी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड यहाँ पर एक स्टडी हुई है उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि जो बनाना ईल्ड है इंडिया में वो क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अभी जो पिछले 1960s के बाद जो ग्लोबल वार्मिंग हुई उसके बाद इंडिया में बनाना यील्ड बढ़ा है बट अब ग्लोबल वार्मिंग जो अब क्योंकि टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ गया है सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बनाना यील्ड जो है वो इंडिया में कम होगा। तो जब भी आप लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखें तो इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करें कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी जो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड वन थिंग वी ऑल नीड टू रिमेंबर इज कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना एंड ओवर 29% ऑफ द वर्ल्ड्स बनाना प्रोडक्शन इज इन इंडिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू अर्जेंटीना एंड अर्जेंटीना में अभी बहुत ज़्यादा भुखमरी जैसे हालात हैं एंड पीपल आर नाउ कैंपेनिंग अगेंस्ट हंगर IMF एंड ऑस्टेरिटी, ठीक है। तो अर्जेंटीना में यहाँ पर एक टर्म मेंशन है शर्टलेस वंस। शर्टलेस वंस का मतलब होता है जो कमजोर लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ दलित या हरिजन बोले जाते हैं जो भी कमजोर है, तो उसी तरह से वहां पर अर्जेंटीना में जो है शर्टलेस वंस का मतलब होता है ऑल दोज हु आर वल्नरेबल एंड एक्सक्लूडेड। अर्जेंटीना के बारे में देख लेते हैं, इट इज 8th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कैपिटल क्या है ब्यूनोस एयर्स, मेंबर है ये G20 का, ये ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबर है। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन से फ्लो होती हैं अर्जेंटीना से, पराना एंड उरुग्वे, एंड करेंसी क्या है पीसो, ठीक है। तो अभी पीसो के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा जा रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर अर्जेंटीना के बारे में। एंड शर्टलेस वंस ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूडेड वंस इन द अर्जेंटीना आर रेफर्ड एज शर्टलेस वंस। नाउ कम टू स्पोर्ट्स पेज एंड यहाँ पर एक न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू अंडर 19 एशिया कप एंड इंडिया ने अंडर 19 एशिया कप जो है वो जीत लिया है आफ्टर डिफीटिंग बांग्लादेश बाई 5 रन। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर अंडर 19 एशिया कप के बारे में।
नाउ कम टू द लास्ट पेज एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू एडवर्ड स्नोडन. एडवर्ड स्नोडन जो है वो जो लीक्स हुए थे अमेरिका में उससे रिलेटेड ये नाम है एंड एट प्रेजेंट ही इज हाइडिंग इन रशिया एंड ये विसिल ब्लोअर है तो ये ध्यान रखिएगा. एंड इनकी एक किताब आ रही है परमानेंट रिकॉर्ड, तो ये ध्यान रखेंगे वन डे टाइप एग्जाम्स के लोग कि परमानेंट रिकॉर्ड किसकी किताब है, एडवर्ड स्नोडन की. तो ये था आज का न्यूज डिस्कशन, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिस्कस कर लिए जाए. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बोथ सी, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है टीबी, निक्षय ऐप इज फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ टीबी एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ए लोकसभा मल्ली. सो दैट्स ऑल फ्रॉम अवर साइड. आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल. हैव अ ग्रेट डे अहेड.